अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद, किसी हमारे भाई ने पूछा है कि अगर इंसान का कोई दांत टूट गया हो तो वहां पर मसनूई दांत लगवाया जा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाज हमारे भाइयों ने ये कहा है कि बाज उलामा कहते हैं मसनूई दांत लगवाना ये जायज नहीं है। देखिए, इस मसले को समझ लेना चाहिए कि मसनूई दांत लगवाने की दो किस्में हैं। एक तो ये है कि इंसान के जो कुदरती दांत हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, सही काम कर रहे हैं, कोई उनमें खराबी नहीं है, या बिलफर्ज उनमें कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उनका इलाज मुमकिन है सफाई के जरिए, या इसी तरह उसको बार दफा कोई सुराख होता है तो भरवाने के जरिए, ये अगर मुमकिन है तो ऐसी सूरत में फिर भी अगर दांत ये कुदरती निकलवा कर सिर्फ जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए ये मसनूई दांत लगवाए जाए तो ये जायज नहीं। यानी अगर दांत कुदरती दांत मौजूद हैं, सही काम कर रहे हैं, या अगर उनमें कुछ खराबी है तो उनका इलाज मुमकिन है बगैर मसनूई दांत लगाए, तो फिर भी मसनूई दांत लगवाए जा रहे हैं जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए, इसी तरह की जो गरज है उसको सामने रखकर, तो ऐसा करना कतन जायज नहीं है। इसकी ममानत की जो हदीस है वो कई एक किताबों में मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो अपने बालों से खामखा मसनूई बाल जोड़ के उनको लंबा करती हैं, या अपने जिस्म गुदवा कर ये डिजाइन वगैरह बनवाती हैं, और फिर दांतों का जिक्र करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुतफल्लिजात लिल हुस्न अल मुगैरात लिखल्किल्ला, कि वो औरतें जो सिर्फ हुसन के लिए इन दांतों में फासले करवाती हैं या इस तरह के डिजाइन दांतों के बनवाती हैं, उन पर अल्लाह ताला की लानत है, उन पे लानत हो, और जो अल्लाह की तखलीक को तब्दील करती हैं, तो ऐसा करना ये तो जायज नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि आपका दांत टूट चुका है, गिर चुका है, खराब हो चुका है, या शदीद तकलीफ की वजह से उसका इलाज मुमकिन नहीं है और आपने निकलवा दिया है, और उसकी जगह पर आप बतौरे इलाज या खाना खाने के लिए आप दांत लगवाते हैं, या वो बुरा लग रहा है यानी टूट चुका है, आपने उसको खाम खा सिर्फ हुस्न के लिए ऐसा नहीं किया बल्कि वो खराब होकर गिर गया या टूट गया है, तो आप उसकी जगह पर दांत लगवाना चाहते हैं यानी ये बतौरे इलाज है, तो इस पे इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, वो दांत लगवा सकते हैं। हाँ, बात भाई ये कहते हैं सोने के दांत लगवाना, तो इससे बचना बेहतर है। आजकल तो ऐसी बेहतरीन दांतों के दांत आ गए हैं कि वो बेहतरीन काम भी करते हैं, और उनका यानी रिप्लेस उनको करना लगाना ये भी कोई मुश्किल नहीं रहा, तो वो लगाए जा सकते हैं। उलामा के सामने जब ये मसला पेश किया गया तो यही तफसील बयान की कि अगर सिर्फ डिजाइन के लिए, हुस्न के लिए, इस तरह की गरज से दांत लगवाए जाए तो ये जायज नहीं है, और अगर इलाज के लिए वो दांत टूट चुका है या गिर चुका है तो फिर दांत लगवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दलील के तौर पर तिर्मिज़ी शरीफ की वो रिवायत पेश की है जिसमें हजरत अरफजा बिन असद रजी अल्लाह तआला का वाक्या मिलता है कि एक जंग के अंदर उनका नाक जो है वो तलवार वगैरह लगने की वजह से कट गया था, तो वो यानी चेहरा जो है वो बुरा लगता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मसनूई नाक जितना कटा था उतना लगवाने की इजाजत दे दी थी। तो इसी को सामने रखकर, इसी दलील को सामने रखकर, क्योंकि ये अल्लाह की तखलीक को तब्दील करने वाली बात नहीं है बल्कि ये बतौर इलाज है, और जो असल इंसान का एक कुदरती नाक था या इस तरह दांत है वो कट गया या दांत टूट गए हैं, तो उसकी जगह पर बतौर इलाज
इसको इस्तेमाल किया जा रहा है या लगाया जा रहा है, तो इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाक वगैरह को लगाने की इजाजत दी थी, ऐसे ही इंशाल्लाह दांत लगाने की भी इजाजत है और इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। यानी खुलासा कलाम ये है कि सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए, डिजाइन वगैरह के लिए ये ना हो, लेकिन बतौर इलाज हो तो दांत लगवा लिए जाए, तो इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।